पर लेट इन वर्क है बट इसमें कौन सा अगर मैं यहाँ से रुक से क्वीन को नहीं ले सकता क्योंकि पॉन और क्वीन बन जाएंगे तो ले लेगी या तो फिर चलो ऐसे ही रख लेता हूँ। अगर वो लोग नीचे आ गया तो बहन मेरी क्वीन उसे मार देती। अब यहाँ पे जो है किंग के पास कोई जाने की जगह नहीं है तो मैं उसको चेक दे सकता हूँ कैसे अगर मैं रुक को यहाँ पे लाता हूँ तो कौन इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ये इसमें अब यहाँ पर मैं क्या ऐसा करूँ पहले कि इसने मेरे नाइट को थ्रेट किया कि यहाँ से चले जाओ तो मैं देखूंगा कि नाइट अचानक के स्क्वायर कौन से कौन से बाकी किसी चीज़ पर अटैक हो रहा है तो मैं इसको ट्राई दे रही मगर ये प्रोटेक्टेड है ये पॉन से भी और क्वीन भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं लगता है। अब मेरे पास दो स्क्वायर एक यहाँ पे और एक यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देता हूँ तो मैं फॉर्क करके चेक दे के लुक ले लूँगा मगर यहाँ पे क्यों गलत होगा क्योंकि अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये बेशक ले लेगा तो ये बिल्कुल गलत होगा तो मैं यहाँ पे फॉर करूँगा कि वापस आएगा और मैं रुक जीत गया। जितनी भी स्टार्टिंग की पजल रहेगी वो सब मोस्टली किंग को चेक दे के ही फिश कैप्चरिंग पे ही ज़्यादा फोकस रहेगी तो आपको ज़्यादा 1800 या 1100 के बाद थोड़ा टेक्निकल लेवल का वो होना चाहिए लेकिन वो भी धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं आता था। अब इसमें चेक करेगा तो रुक इसको चेक दे सकता है लेकिन इसके बाद रुक के पास स्क्वायर क्या है ये स्क्वायर किंग ने प्रोटेक्ट करके रखा है ये स्क्वायर पॉन ने बचा के रखा है तो यहाँ पे नहीं जा सकता। ये जो पॉन इसने बचा के रखा है ऊपर का मतलब कि जो किंग है वो ट्रैप्ड एक चेक मतलब गेम ओवर। ओके ये पॉन यहाँ पे बचा है फिर भी जो मैंने बताया वही होगा कि रुक यहाँ पे आएगा अगर ये ऊपर जाता है तो भी चेकमेट होगा यहाँ पे आता है तो भी चेकमेट होगा क्योंकि रुक ले नहीं सकता है पॉन उसको प्रोटेक्ट कर रहा है तो म्यूटेंट टू हो गया। अब ये जो रुक यहाँ पे आया है ये फॉर्क कर रहा है बिशप और रुक को और ये पॉन ये मतलब हैंगिंग पीस तो रुक बिगनर रहेंगे वो इसको ले लेंगे या तो फिर इस पॉन को ले लेंगे अपने रुक को बचाने लेकिन हमारा फोकस हमेशा किंग को रहना चाहिए। या कुछ लोग ये भी कर सकते हैं कि नाइट से नाइट को ले लेंगे ये सोच के कि भाई ये पॉन इसको हटेगा और हमारा पर चेक्स क्या क्या अगर मैं क्वीन को यहाँ पे लेके जाऊँगा तो मेटिन वन हो गया है तो उसके पास किंग के पास कोई जगह नहीं रहेगी और ये बेसिकली डिकॉय और डिस्ट्रक्शन है कि अगर मैं रुक को यहाँ पे बेचता हूँ तो किंग इसको टेक करेगा और मैं बिशप को ले लूंगा फिर क्वीन इसको लेगी और मैं यहाँ पे हट जाऊंगा या तो फिर यहाँ पे हट जाऊंगा तो देखते हैं और कहीं से मैं क्या चेक दे पा रहा हूँ नहीं मेरे को नहीं लगता चेक। अब इसमें भी मेंटेन वन है क्योंकि ये यहाँ से यहाँ पे मैं चले जाऊंगा तो रुक नाइट इसको प्रोटेक्ट कर दिए क्वीन को और नाइट ये स्क्वायर को भी कवर करेगी तो किंग यहाँ पे भी आता है तो भी मर जाएगा सो दैट सेट मेड इन वन। अब ये रुक ये पूरी लाइन को कवर कर रहा है तो किंग यहाँ पे तो नहीं जा सकता किंग के पास दो स्क्वायर है वन और टू तो मैं सबसे पहले चेक दूंगा यहाँ पे एक चेक दूंगा वन अभी अब कौन सा ऐसा पीस मैं यूज करूं कि जिससे मैं कोई पीस ले सकूं बहुत से नए लोग ये सोचेंगे बिगनर लोग कि मैं यहाँ पे चेक दूंगा और ये पॉन जो है वो इजीली ले लूंगा लेकिन इससे भी अच्छा और बेस्ट मूव ये है कि अगर मैं क्या बोला मैंने स्टार्टिंग में कि चेक्स दे तो चेक ये जो रुक है ये इसको चेक दे पा रहा है तो बहुत ये तो क्वीन तो उसको ले लेगी नहीं ले पाएगी अगर लेती है तो ये पॉन है वो उसको ले लेगा और हम इस तरह से क्वीन को जीत जाएंगे और हमारे पास जो
लोग बचेगा लास्ट में, तो हम गेम जीत जाएंगे। ये जो क्वीन है वो यहाँ पे आ गई है, इसके लिए ये लाइन पूरी खाली हो गई है और हमें अगले मूव में चेक वेट करना पड़ेगा, नहीं तो ये जो क्वीन है ये यहाँ पे आ जाएगी और क्योंकि रुक इसको प्रोटेक्ट कर रहा है तो चेकमेट हो जाएगा। तो ठीक है, चेक ही देखना है। तो बहुत से लोग कहेंगे ये चेकमेट, तो चेक या तो फिर चेकमेट करना है या तो फिर चेक देना ताकि हम उसको बढ़ा सकें। तो सबसे पहले लोग सोचेंगे कि नाइट ये फ्री का है तो इसको ले लेता हूँ, मगर ये सबसे बड़ी मिस्टेक होगी क्योंकि क्वीन का जो डायगनल है वो सीधा आर के इसको देख रहा है। अगर क्वीन लेके चेक करती तो क्वीन सीधा इसको ले लेगी, तो ये मूव तो पहले गलत हुआ। अब बचते हैं दो मूव, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आते तो यहाँ का मूव गलत है। यहाँ का मूव गलत क्यों है? क्योंकि ये यहाँ पे आएगा तो एक ऐसा ट्राइंगल जैसा शेप में इसको देखेगा, तो इनके पास दो स्क्वायर बचे, एक ये स्क्वायर और एक ये स्क्वायर, तो उसको चेक नहीं दे पाएगा। और अगर फिर यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ पे वो आता है तो मेट हो जाएगी, फिर भी मेट हुई, ऐसा नहीं नहीं हुई, लेकिन मेट इन टू हुई। हमें पजल इसलिए दी जाती है कि कम से कम मूव में हम कैसे जीत सके। तो मेट इन वन सिंपल है, आप इसको यहाँ पे लेके आइए तो क्रॉस डायगनल होगा, तो इसके पास कोई जरिया नहीं रहेगा। ये डायगनल इसको देख रहा है तो यहाँ पे इसको मारने आ रहा तो रुक ले लेगा, यहाँ पे आता है तो क्वीन मार देगी, यहाँ पे किंग आता है तो या तो रुक मारेगी या तो फिर क्वीन मारेगी, तो ये मेट इन वन। फिर ये क्रॉस में क्रॉस बनाते हैं, ये बहुत खतरनाक पोजीशन है क्रॉस की, क्योंकि अगला जो क्वीन का मूव आएगा वो मेट इन वन हो जाएगा, मैच खत्म हो जाएगा। अब दो चीज, सबसे पहले लोग क्या सोचेंगे कि अच्छा ये है बिशप इसको देख रहा है, मेरे पास नाइन, बिशप को मार देता हूँ, इसका मेट इन वन रुक जाएगा। नहीं रुकेगा क्योंकि नाइट यहाँ पे है और क्वीन नीचे आ जाएगी, फिर भी मेट इन वन होगा, इसलिए ये मूव तो गलत है। अब साइड में दूसरे पीसेस को देखते हैं, तो यहाँ पे क्वीन और बिशप का एक स्ट्रॉन्ग बैटरी बनी पड़ी है जो सीधा यहाँ पे देखते हैं, जो क्वीन यहाँ पे आएगा तो सीधा चेकमेट होके गेम खत्म हो जाएगा। तो ऐसे अब ये जो रुक है यहाँ पे आया तो बेसिकली ये टारगेट कर रहा है इसको, या तो फिर इसका प्लान ये है कि क्वीन यहाँ पे आएगी तो चेक दे के हमारा किंग यहाँ पे आएगा या तो फिर यहाँ पे आएगा। अभी हमें उसको चेक करना है तो चेक करेंगे कैसे? मैं नाइट से कोई मूव खेलना पड़ेगा जो कि शो, अभी मैं नाइट से यहाँ पे इसको चेक देता हूँ तो ये दोनों खाने उसके ब्लॉक हो जाएंगे, तो वो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा, नहीं आ सकता तो वो यहाँ पे आएगा और मैं यहाँ पे चेक दे दूंगा। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, 673 में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पजल नहीं आती है। देखते हैं, क्वीन इस डायगनल को कवर कर रही है पूरी तरीके से, तो इसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है यहाँ पे आने का। तो मैं सबसे पहले इसको चेक दूंगा, जितने अगर आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो हमेशा चेक ऐसा दो कि किंग के पास जाने के लिए खाने कम बने, कम उसके पास जगह जाने के, इससे क्या होगा, एक तो आपका मूव फ्राइड होगा और अगर आपको नहीं भी सूझ रहा आप चेक दोगे, और जिस जैसे कि अभी आपके पास दो या तीन पीस है और आपके पास चेक दे सकते हो दोनों तीन पीस, जिस पीस को चेक दे के सबसे ज्यादा किंग वो चेकमेट करने के लिए कवर करता है या तो फिर मूव सीधा मेट इन वन करता है, वो आपका राइट मूव होगा। तो यहाँ पे मैंने इसको चेक दिया तो ये ऊपर आएगा। अब यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे डालता हूँ तो किंग नीचे आ जाएगा, या तो फिर देखते चेक ही कर देते हैं फिर ये चेक। ओके ओके ओके, अब समझ में आया मेरी कैलकुलेशन में क्या था। मैंने ये सोचा कि यहाँ से किंग जो है वो स्क्वायर से निकल जाएगा, लेकिन जो नाइट है उसने ये दोनों स्क्वायर कवर करके रखे तो उसके पास जगह नहीं है। अब यहाँ पे जैसे क्वीन आएगी वो मेट हो जाएगा क्योंकि किंग के पास कोई स्क्वायर ही नहीं बचा मूव करने के लिए, वो जो स्क्वायर पे है उससे मेट लग जाएगी तो गेम खत्म।
अभी क्वीन और किंग जब भी एक डायगोनल में हो तो ये ध्यान रखना कि आप हमेशा कोई बिशप हो या फिर क्वीन हो या फिर नाइट हो, उससे आप इजीली उसको फॉक या चेक दे सकते हो। अब जैसे कि अगर क्वीन यहाँ पे, अब क्वीन के पास दो चेक है, एक यहाँ पे F2 स्क्वायर है और दूसरा है G1 स्क्वायर। अब F2 पे चेक देगा तो किंग वापस ले लेगा, तो कुछ मतलब नहीं। अगर वो G1 स्क्वायर पे चेक देता है तो किंग को कहीं ना कहीं पे हटना पड़ेगा, पहुंच जाएगा और क्वीन लेके हम ये मैच जीत जाएंगे। जैसे ये और CH5 पे जीत गए। ये जो नाइट है वो यहाँ पे आ रहा है, क्वीन को ट्रैप ले रहा है, बोल रहा है निकल यहाँ से, तेरे लिए अब कोई जगह नहीं। अब जो क्वीन रहेगी वो उसको चेक करने के लिए मोस्ट ऑफ क्या रहता है, क्वीन आती तो क्वीन पे अगर ट्रैप आता तो ज्यादातर क्वीन को मुंह करके टेंशन में आएगा। लेकिन आपको टेंशन लेने के सामने आपको सोचना है कि कौन सा ऐसा दूसरा पीस है उसके साथ भी मैं चेक दे सकता हूँ। मोस्ट ऑफ यूजर यही गलती करते हैं कि क्वीन और ये मेरी क्वीन पे थ्रेट आया, बिगनर लोग तो क्वीन को हटा दो। जब क्वीन को अगर आप हटाओगे बचाने के लिए, हो सकता है कि आपके दूसरा पीस उसको चेकमेट दे पा रहा हो। इसीलिए जैसे अब मैं दूसरे पीसेस को भी देखूंगा, दूसरा मेरा कौन सा पीस है, ये पीस है, ये पीस है, हमेशा अपने अगर आप कोई भी पोजिशन देख रहे हो तो पहले देख लो कि आपके पास कितने पीस है, आपके ओपोनेंट के पास कितने पीस है और आप कौन से पीस का यूज कर सकते हो। जैसे मैं ये जो रुक है मैं यहाँ पे लेके आऊंगा, तो यहाँ पे जो किंग है उसके पास एक ये स्क्वायर बचेगा, तो मैं क्वीन को यहाँ पे लेके जाके चेकमेट करूंगा। दूसरा उसके पास नहीं हो पाएगा, बिशप को यहाँ पे लेके आएगा तो मैं बिशप टेक करूंगा और फिर भी वही चीज होगी, पर मेटिंग थ्री होगा। कैसे देखो, देखो बिशप आ गया, अब मैंने किंग को चेक दिया और यहाँ पे आके चेक मेट हो गया। अब यहाँ पे मेट इन वन कैसे, बहुत से लोगों को ये पता है कि यहाँ पे ऐसे डालते हैं और ये सिचुएशन बहुत बार आई कि अच्छा किंग कहीं पे हट जाएगा तो मेट इन वन कैसे होगा। ये जो बिशप है ये डायगोनल पे इस तरह से दिखेगा, तो उसके पास स्क्वायर नहीं, जब क्वीन आएगी तो कोई भी स्क्वायर नहीं बचेगा किंग के पास, मूव नहीं। जैसे मेट इन अभी इसने इस बिशप को आगे बढ़ाया तो मतलब उसकी प्लानिंग है बिशप डेवलप करने की, या तो यहाँ पे आ सकता है या तो फिर यहाँ पे आ सकता है। अभी इसमें मैं कहीं पे भी चेक दे सकता हूँ क्या? ऑफ कोर्स यहाँ पे से क्वीन जाएगी और यहाँ पे बिशप आएगा, या तो फिर ये पॉन भी गिरा सकता है, तो देखते हैं। या तो फिर जब सारे मूव इस तरह से समझ में ना आए तो बेहतर बेस्ट है कि मेट चेक दे दो और वेट करो क्या होता है। इसने इस पॉन को गिरा दिया, अब तो मेरा बिशप का प्लान ही फेल होगा। लेकिन मैंने चेक किया था तो एक और पीस हैंगिंग था, वो था नाइट यहाँ। अब मैं नाइट को लूंगा तो क्वीन को और एक चेक आएगा, और मैं अगर क्वीन यहाँ पे आती तो मैं क्वीन भी जीत जाऊंगा। अब इसने इस पूरे कवर को स्क्वायर करके रखा है आने के लिए, और मैं क्वीन जो है वो ये देख रही है कैसे मैं हटूं, और यहाँ पे वो आके मेटिंग बंद कर दे। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो ये लेने का कुछ मतलब नहीं, अगर यहाँ पे लेता हूँ तो क्या होगा, क्या रुक सेक्रीफाइस करना सही होगा? बहुत से लोग ये सोचेंगे कि अरे भाई रुक सेक्रीफाइस करेंगे क्रिंग चाहिए चेकमेट होगा, नहीं। आप जब रुक यहाँ पे डालोगे तो रुक किंग उसको पहले टेक करेगा क्योंकि किंग पर चेक पड़ रहा है, वापस लेगा और आप फर्क करोगे। नाइट को अपने यहाँ पे डालोगे तो फिर से इसको कहीं पे मूव करना पड़ेगा और क्वीन जीत जाओगे, और आपके पास दो नाइट लास्ट में रहेंगे तो आप ये गेम इजीली जीत जाओगे। ऐसे वन ये फॉर किया किंग और उसको चेक दे तो किंग को मूव करना पड़ेगा, मैंने क्वीन ले लिया है तो इजी। ये जो है ये मेट इन टू वाला गेम है। अभी यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन दो, मैं रुक से रुक को भी ले सकता हूँ, क्वीन से रुक को भी ले सकता हूँ, तो मैं मेट कैसे करूँ? मोस्ट ऑफ क्या सोचते हो, मैं रुक से रुक देखा तो रुक ले लिया, लेकिन इससे क्या होगा कि रुक भी उसको ब्लॉक करेगा और किंग को चांस मिलेगा मूव होने का। लेकिन अगर मैं क्वीन से दे रहा हूँ तो मैं साथ में चेक भी दे रहा हूँ, तो इसको कहीं ना कहीं पे मूव होना पड़ेगा। तो इसके पास स्क्वायर एक ही बचा तो वो यहाँ पे आ जाएगा और मैं यहाँ पे आके उसको पूरा चेक मेट कर दूंगा। जैसे ये वन और ये
टू और ये थ्री। अभी ये जो सिचुएशन है इसमें ये दोनों ही एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या? बहुत से लोग सोचेंगे अच्छा मैं इसको ले लूंगा, फिर क्या होगा, इसको पहले मैं टेक कर दूंगा, फिर हटा दूंगा और फिर क्वीन बन जाएगी और मैं जीत जाऊंगा। मगर ये सबसे गलत है, रॉन्ग मूव है। क्यों? क्योंकि हमें साइड की सारी लोकेशन आसपास की देखनी पड़ती है कि कहीं कोई चीज से हमारा कहीं चेकमेट तो नहीं हो रहा है, कहीं ओपोनेंट को उसके पास स्ट्रॉन्ग पीस तो नहीं मिल रहा। मैं जैसे ही इस रुक से ये रुक को लूंगा, एक्स रुक बी वन पे आएगा, तो ये जो पॉन है ये F8 पे आके क्वीन बन जाएगा। मेरी क्वीन कहीं पे मूव होना पड़ेगा और वो काफी एडवांटेज में होगा, क्योंकि मुझे रुक हटाना पड़ेगा, फिर क्वीन बनाना पड़ेगा और क्वीन चेक दे दे के बननी पड़ेगी। इसके अलावा इससे अच्छा मूव ये है कि मैं इसको जो रुक को है यहाँ पे डालू, अगर ये क्वीन बनता है मेरा रुक ले लेगा और क्वीन से प्रोटेक्टेड है तो क्वीन ले नहीं पाएगा। और यहाँ पे बिशप इस डायगोनल को कवर कर रहा है तो इसको हटना पड़ेगा। दो चीजें, चलो देखते पम क्वीन बन गया, मैंने इसको चेक किया, इसको मूव होना पड़ा। और एक मूव है कि ये जो बिशप है ये इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो ये यहाँ पे ले नहीं सकता और अभी चेकमेट हो गया, क्योंकि ये यहाँ पे आएगा तो बिशप इसको भी प्रोटेक्ट कर रहा है। 1-0 8-0 पे पहुंच गया, देखते हैं आगे कहाँ तक बढ़ पाता है। अगर मैं इस पॉन को लूंगा तो इसको नाइट ले सकता है, बिशप ले सकता है और रुक ले सकता है, तीन पॉन। इसको दो ले सकता है, बिशप और नाइट। जब भी आपको प्रोटेक्टेड पॉन यानी कि पीछे के जो पॉन वो हमेशा कैलकुलेशन करो तो ये एकदम गलत हो जाएगा। अभी दूसरा चीज क्या है, अब बहुत से लोग ये सोचेंगे कि क्वीन को यहाँ से चेक दूंगा, ये गलत क्यों हुआ? क्योंकि नाइट यहाँ पे, नाइट उसको टेक कर देगा और उसको काफी एडवांटेज होगा। दूसरा ये जो रुक है, क्वीन यहाँ पे ट्रैप हो चुकी है, या तो फिर उसको बचने के लिए कोई ऐसा मूव खेलना पड़ेगा। ट्रैप तो हमेशा जब हो तो डेंजर लेवल पे, आप हमेशा ये देखो कि आप उसको ओपोनेंट को कौन सा ऐसा पीस जिसको थ्रेट दे के हटा सकते हो उसकी जगह से, जिससे कि आप आगे का कोई प्लान या आपको नया मूव सोच पाए। जैसे मैं इसको यहाँ पे बढ़ाता हूँ तो रुक से प्रोटेक्टेड है और क्वीन को बचाने के लिए, क्वीन यहाँ पे क्वीन के पास दो मूव। अगर इसको लेती है तो बिशप टेक कर देगा तो क्वीन चली जाएगी, यहाँ पे आती है तो ये पॉन टेक कर लेगा, अगर यहाँ पे आती है तो ये ले लेगा, और अगर पीछे जाती है तो एक ही मूव है, ये बच नहीं। देखते हैं अभी क्या होता है। ओके, अब मैं क्वीन लेता हूँ तो इसका प्लान है कि ये रुक ले लेगा, चेक करेगा, मगर क्या मेरी किंग की सेफ्टी? हाँ बहुत है। पहली बात, बिशप को यहाँ पे ले जाऊंगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, मैं किंग को हटा दूंगा तो भी कुछ नहीं कर पाएगा। देखते ही क्या करता क्या मैं बिशप को लेके आऊँ? बिशप को अगर लेके आता तो गलत क्यों हुआ? क्योंकि मैं पिन कर रहा हूँ बिशप को, मुझे पहले इसको कहीं पे हटाना पड़ेगा, ये चांसेस है कि हैंगिंग हो जाए। अब इसको मैं किंग को सपोज समझ लीजिए, मैं बिशप को यहाँ पे लाता हूँ और किंग को यहाँ पे बेचता हूँ, तो भी ये पिन है, क्योंकि अगर बिशप फिर हटेगा तो ये क्वीन को ले लेगा, फिर भले ही नाइट इसको टेक करे तो काफी ये हो जाएगा। तो सिर्फ किंग को हटाना, किंग काफी सेफ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसको मैं हटाता हूँ तो ये रुक क्वीन को ले लेगा और पोजीशन इक्वल हो जाएगी, जो कि मैं ये करना नहीं चाहता। इसके बाद आगे का क्या होगा? ये बिशप इसको मारेगा, अगर मैं यहाँ से लेता हूँ बिशप आएगा तो मैं टेक कर लूंगा। ठीक है, देखते हैं, बिशप को यहाँ पे गिरा देता हूँ, देखते हैं क्या पोजीशन बनता है। नहीं, नहीं नहीं नहीं, लेता है तो लेकिन बोलो, मतलब कई सारे पीस प्रोटेक्टेड ही है। ये यहाँ पे आ जाएगा, क्वीन को लेगा और बिशप उसको मिलेगा, या बिशप
नाइट नहीं ले पाएगा क्योंकि ये थाना इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो इसमें यहाँ पे आने की जगह मिल जाएगी, तो ये लेगा। या तो फिर किंग भी लेता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ से पॉन्स को आना बहुत ज्यादा मुश्किल है, वो ये टिक करेगा। और यहाँ पे आता तो एक पिन में खुद को फंसा रहा, तो कुछ मतलब नहीं है। तो गलत, देखते क्या होता है। वैसे काफी हार्ड था। 90 1135 के इसको वापस से सॉल्व करके देखेंगे क्या हुआ क्या है। अब ये बिशप चेक देगा तो किंग यहाँ पे आ जाएगा, और फिर रुक से रुक बैटरी से तो सेक्रीफाइस हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे आया तो किंग के पास ये स्क्वायर नहीं था, और यहाँ पे नहीं आ सकता था कि रुक से चेक हो जाता। अब ये रुक गया, ये रुक टेक कर लेगा, और कोई ऑप्शन नहीं, फोर्सिंग। अगर आपको चेकमेट करना है तो हमेशा ध्यान रखना आपकी करना, फोर्सिंग रूल जितने भी हो। अच्छा, और ये चेक से मीटिंग वन चेकमेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रुक ये लाइन को कवर कर रहा, नीचे का कोई स्क्वायर बचेगा। अब ये जो है रुक ऑन द 7th लाइन, इससे चेकमेट किया जा सकता है, काफी नियर हो गया। तो बहुत से लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे चेक करने की कोशिश करेंगे, तो किंग यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे, तो ऐसे एक दो तीन बार रिपीट होके ये जो होगा वो ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ पे क्वीन बन रहा है, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा। दूसरे पॉइंट को देखो, जहाँ पे ये जैसे यहाँ पे चेक देगा तो चेकमेट हो जाएगा, क्योंकि नीचे किंग के पास कोई स्क्वायर है ही, किंग यहाँ पे नहीं। अगर यहाँ पे होता तो शायद बच जाता। मैं ये पॉन है नहीं है, तो मैं बिशप ले लूंगा और नाइट को प्रोटेक्ट कर दूंगा, क्योंकि क्वीन इसको देख रही है। ठीक है, वैसे इसको प्रोटेक्शन की जरूरत भी नहीं, क्योंकि बिशप भी इसको प्रोटेक्ट तो कर ही रहा है। लेकिन बिशप जो है, अगर मैं क्वीन को कहीं और हटा दूं, जैसे यहाँ बैठा, यहाँ पे हटा दूं, सपोज क्वीन यहाँ पे कर दो, तो ये यहाँ पे आके लोग देखा तो मुझे क्वीन हटाना पड़ेगा। फिर मैं तो मुझे ऑपरेशन क्या मिली, ये नाइट जो है वो अगर इस स्क्वायर पे आता तो फॉर्क करके या तो बिशप जीतेगा या तो फिर क्वीन जीत जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आते तो बिशप उसको टेक कर देगा, क्योंकि बिशप भी इसको टेक कर देगा। तो पहले मैं इसको हटा दूँ, कहीं तो मीटिंग होनी या कुछ तो था जो मैंने मिस कर दिया। देखते हैं, तो ये करता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ तो कॉन्टेक्ट कर देगा, यहाँ पे डालता हूँ कुछ मतलब नहीं, यहाँ पे करता हूँ तो भी ये अगर ये पॉइंट है, अगर इसको लेता हूँ तो यहाँ पे पिन है, तो सीधा रुक क्वीन को ले लेगा, फिर रुक रुक को ले लेगा। देखते हैं, इसको ब्लॉक कर दिया, अभी मैं इसको पॉन को भी ले सकता हूँ, नाइट को ले सकता हूँ। इसने रुक दे दिया, ट्रेड किया, क्वीन ने ले लिया, मैंने रुक ले लिया, तो मैं क्वीन क्वीन को लेते तो रुक ले लेते तो काफी। अगर यहाँ से हटता है तो क्वीन सीधा नीचे आ जाएगी, ट्रिपल पॉन होगा, क्वीन क्वीन को लेगी और रुक लेगा, ये लेगा चेकमेट हो गया। क्या तो फिर इसको हटना पड़ेगा, या सिंपल है, मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। फिर अगर मैं रुक से सीधा दूसरे लूँ तो दो चीज़ प्रोटेक्ट करेंगे, तो मैं क्वीन लेके लास्ट में मेरे पास क्वीन बचेगी तो मैं बच जाऊंगा, बोलने तो दिया रहता। अभी अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ तो क्वीन इसको प्रोटेक्ट कर रही है, और ये पिन हो गया। अगर यहाँ पे भी आता तो मैं साइड में हट जाऊंगा, या तो फिर क्वीन इसको ले लेगी और मैं क्वीन को वापस लेके क्वीन हो जाऊंगा। ये गलत क्वीन था, ये गलत इसलिए था कि अच्छा, तो ये यहाँ पे आता,
लेता और ये नीचे आता तो ये क्वीन इसको लेती और नाइट ले लेता, इसके लिए लेता। चलो देखते हैं क्या क्या मिस्टेक हुई, मिस्टेक वापस से खेल के देखते हैं। ले लिया, ऊपर लोगों को कुछ कर नहीं पा रहा है, इसका डेड हो गया। ओके okay. ये वापस जाएगा, बचाने के लिए मैं यहाँ पे आऊंगा, चेकमेट हो जाएगा। इसके लिए मैंने ये मिस कर दिया, मैं यहाँ पे ये लाइन नहीं बताई थी, पर मैं यहाँ पे देख मैं किंग पर चेक करना ही भूल गया। ये इसको ये टेक करेगा, यहाँ पे आएगा, किंग पे अटैक यहाँ पे आएगा, बिशप से मिले। अगर ये नाइट लोग वापस